हरिओम। रुद्र गौरी हरिद्रा। माघ पूर्णिमा यानी 7 फरवरी 2012 को सद्गुरु श्री अनिरुद्ध श्री सुचित दादा के साथ श्री अनिरुद्ध गुरुक्षेत्र में पधारे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे सर्व पाप प्रशमन। बापू ने हाथ में वह हरिद्रा भरी थाली लेकर सबसे पहले श्री गुरुक्षेत्रम स्थित आराध्यों के दर्शन किए। प्रशमनम श्री गुरुक्षेत्रम। ओम ऐं रुद्र गौरी हरिद्रा जिसमें भरी जाने वाली थी वह मंगल पात्र सद्गुरु के आदेश के अनुसार धर्मासन पर रखा गया। क्लिम क्लिम चामुंडायै विच्चे सर्वसमर्थम सर्वार्थ समर्थम श्री गुरुक्षेत्रम। सद्गुरु श्री अनिरुद्ध के हाथ की पूजा की थाली में रेणुका माता का प्रसाद स्वरूप रहने वाली पवित्र हरिद्रा यानी हल्दी थी। बापू ने उसकी परिक्रमा करके उसे प्रेम से वंदन किया। नमः ओम राम वरदायिनी श्री महिषासुर मर्दिन्ये नमः ओम राम नाम तनु श्री अनिरुद्धाय नमः श्री गुरुक्षेत्र उन्मीलन मंत्र ओम मानव जीवात्मा उद्धारक श्री रामचंद्राय नमः ओम मानव प्राण रक्षक श्री हनुमंताय नमः ओम मानव वरदायिनी श्री अल्लादिन्यै नमः अनिरुद्धाय नमः। ओम श्री दत्त गुरवे नमः। श्री गुरुक्षेत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे सर्व बाधा प्रशमनम श्री गुरुक्षेत्रम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे सर्व पाप प्रशमनम। सद्गुरु श्री अनिरुद्ध बापू ने अपने पास की रेणुका माता का प्रसाद स्वरूप रहने वाली पवित्र हरिद्रा अपने हाथों से मृदुता पूर्वक मंगल पात्र में अर्पण की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे त्रिविक्रम निलयम् श्री गुरुक्षेत्रम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। माता शिवगंगा गौरी के रेणुका स्वरूप की महिमा सभी श्रद्धावानों को बापू ने कई बार बताई है। रेणुका माता का प्रसाद स्वरूप रहने वाली उस हरिद्रा को स्पर्श करके मंगल पात्र में अर्पण करते समय और उससे पहले परिक्रमा करते समय रेणुका मैया की अपरंपार वत्सलता के स्मरण से अनिरुद्ध बापू गदगद हो गए। श्री महिषासुर मर्दिन्ये नमः ओम राम नाम तनु श्री अनिरुद्धाय नमः श्री गुरुक्षेत्र उन्मीलन मंत्र ओम मानव जीवात्मा उद्धारक। बापू ने हरिद्रा मंगल पात्र में हरिद्रा अर्पण करने के बाद उसे उत्कटता से आलिंगन दिया और वंदन भी किया। बड़े पात्र में से हरिद्रा अब सद्गुरु के आदेश के अनुसार परम पूज्य सुचित दादा एवं पूज्य समीर दादा ने मंगल पात्र में अर्पण की। गुरवे नमः श्री गुरुक्षेत्र बीज
फिर अनिरुद्ध बापू ने माता शिवगंगा गौरी को महावस्त्र अर्पण किया और माता शिवगंगा गौरी एवं भगवान किरात रुद्र को वंदन किया। श्री गुरु क्षेत्रम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे सर्वकोप प्रशमनम श्री गुरु क्षेत्रम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे त्रिविक्रम निलयम श्री गुरु क्षेत्रम हरिओम। ज्यांना ऐकायचंय त्यांनी इतरांना सांगा हा ही माझ्या आईची माता रेणुकीची हळद आहे। ही रेणुका मातीची हळद आहे। झालेच्या तिने तो लेप केला अंगाला हळदीचा। त्या हळदीचा लेपाची हळद आहे लक्ष ठेवा। त्या तुला सगळ्यांसाठी ते आईने तिच्या कृपेने उपलब्ध करून दिले। आलोचनामध्ये की माझ्या आईची माझ्याकडे असणारी होती आहे ती तुम्हाला मी देऊन टाकले माझ्या बाळा अतिशय पवित्र आहे। एवढसा कण जरी आपल्या घरात राहिला तरी खूप सुंदर आहे। खूप श्रद्धेने भावनेने प्रेमाने त्या रेणुका मातेची ही वस्तू जी आहे आमच्यामध्ये आणि ती कायम येत राहणार आहे। ती वाढतीच राहणार लक्षात ठेवा। तो रांजण ती भरतच राहणार। आपण जी हळद आणतो आणि त्यात घालू ती भवती हळद माझी आई देशामध्ये सतत तिचा स्पर्श घालत राहण्याचं लक्षात ठेवा। त्यामुळे मी जीवाचा आकारदंड घालून काही मी तुमची एवढी पुरेल कामुक्त म्हणून नाही घरात लग्न कार्य वगैरे काही चांगलं मंगल कार्य असतील त्यातली थोडी हळद त्या हळदीमध्ये घालायची। घरात मोठी पूजा वगैरे काय आहे तर त्या हळदीमध्ये थोडी हळद टाकली की हळद पूजेची काही चूक झाली हातून हुमाची चूक झाली तरी ती एवढा माता सगळं सांभाळून घ्या आलोशामध्ये। रुद्र गौरी हरिद्रा का महत्व उपस्थित श्रद्धावानोंको बताते समय अनिरुद्ध बापू ने कहा हरिओम यह मेरी माँ रेणुका का प्रसाद स्वरूप रहने वाली हरिद्रा है। आज से यह सारे श्रद्धावानों के लिए रेणुका मैया की कृपा से उपलब्ध हुई है। इसमें से एक कण भी यदि मिल जाए तो वह भी बहुत ही पवित्र है शुभ है। यह हमेशा बढ़ती ही रहने वाली है। घर में जब कोई मंगल कार्य हो पूजा हो तब इसमें से थोड़ी सी हरिद्रा उस कार्य में उपयोग में लाए जाने वाली हल्दी में मिला दीजिए। उस पूजा में कार्यक्रम में आपसे अनजाने में यदि कुछ गलती हो भी जाती है तब भी मेरी माँ रेणुका माता शिवगंगा गौरी उसे संभाल लेगी। अतिशय प्रेमाने आता अपन आलक्षामध्ये जप करायचा आहे। दोन जप ओके। पहिला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे ओके। त्यानंतर म्हणून ओम नमः शंडिका। पण मी पहिल्यांदा सांगतो आम्ही हरिओम म्हणून थांबवलंही पहिला थांबायचा म्हणून दुसरा सेवा
अवधूत चिंतन श्री सभी प्रकार के अरिष्टों का स्तंभन करके पवित्रता को, शुभ को आधार देने वाली माता शिवगंगा गौरी के कृपा प्रवाह का मूर्तिमंत स्वरूप रहने वाली ऐसी है यह रुद्र गौरी हरिद्रा।